हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रीति। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 21 दिसंबर ग्रांटेड वीज़ा टाइमलाइन। सो मेक श्योर वॉच द वीडियो टिल लास्ट एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन और ऑल्सो सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो टू द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्पाउस वीज़ा ग्रांट हुआ है। इन्होंने अप्लाई किया था विक्टोरिया यूनिवर्सिटी सिडनी में फॉर MBA ग्लोबल एंड फाइलोजिन की हुई थी 2 दिसंबर को। वीज़ा ग्रांट इनको हुआ है 20 दिसंबर को। नेक्स्ट वीज़ा ग्रांट हुआ है गाइज, इनको 3 ईयर्स का जो है प्रोफेशनल एक्सपीरियंस था केमिकल्स, एंड इन्होंने केमिकल्स के बेसिस पे ही अपना जो कोर्स है वो भी केमिकल्स से रिलेटेड ही लिया है यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड में। PT में इनका ओवरऑल स्कोर था 59, नॉट लेस देन 52। फाइल लॉन्च हुई थी 7 दिसंबर को। वीज़ा ग्रांट इनको हुआ है 20 दिसंबर को। नेक्स्ट रिफ्यूज़ल है गाइज, 18 दिसंबर को रिजल्ट आया था। मेडिकल इनका हुआ था 24 अक्टूबर को। फाइल लॉन्च हुई थी 29 नवंबर को। 10th CBSE बोर्ड से की है विद 58% मार्क्स 2019 में। 12th की थी इन्होंने 21 में विद 78% मार्क्स। IELTS में ओवरऑल स्कोर था 6, नॉट लेस देन 6, 5.5 इन राइटिंग्स। व्हाट इज दिस, नॉट लेस देन 6 कैसे हुआ फिर? IELTS में स्कोर था गाइस इनका ओवरऑल 6, नॉट लेस देन 5.5। 5 करोड़ की इन्होंने CA रिपोर्ट शो की थी। CQ यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था फॉर बैचलर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। रिफ्यूज़ल इनको मिली है 18 दिसंबर को। नेक्स्ट वीज़ा ग्रांट हुआ है 21 दिसंबर को। 2 रिफ्यूज़ल्स हैं इनकी कनाडा से। इन्होंने अप्लाई किया था यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया में मास्टर्स ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटिंग के लिए। नेक्स्ट वीज़ा ग्रांट हुआ है, फाइल लॉन्च हुई थी 17 अक्टूबर को। मेडिकल इनका हुआ था 20 अक्टूबर को। S56 रिक्वेस्ट की गई थी 1 नवंबर को, एंड इन्होंने सेम डे अपडेट कर दी थी। एंड इन्होंने फाइल कंसिडर रिक्वेस्ट सेंड की थी, देन इनको वीज़ा ग्रांट हुआ है 21 दिसंबर को। नेक्स्ट स्पाउस वीज़ा ग्रांट हुआ है, 2014 में इन्होंने 10th की थी, 16 में 12th की थी, एंड 2019 में इनकी बैचलर ऑफ आर्ट्स कंप्लीट हुई थी फ्रॉम कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी विद 71.5% मार्क्स। PT में ओवरऑल स्कोर था 58। फाइल लॉन्च हुई थी इनकी 8 दिसंबर को। मेडिकल हुआ था 10 दिसंबर को। 12 दिसंबर को मेडिकल अपडेट हुआ था, एंड इनको वीज़ा ग्रांट हुआ है 20 दिसंबर को। नेक्स्ट वीज़ा ग्रांट हुआ है, फाइल लॉजिन की हुई थी 20 दिसंबर को। मेडिकल इनका पहले ही हो चुका था 9 दिसंबर को। वीज़ा ग्रांट इनको हुआ है 20 दिसंबर को। सो लेट्स सी द प्रोफाइल ऑफ द स्टूडेंट्स। 10th इन्होंने 2016 में की थी विद 71% मार्क्स। 12th की थी 2018 में विद 81% मार्क्स मेडिकल स्ट्रीम से। 12th में री थी आई थिंक इन्होंने शो किया है ये। 2019 80% मार्क्स RBSE बोर्ड से। बैचलर ऑफ साइंस की थी, देन 22 में 68% मार्क्स राजस्थान यूनिवर्सिटी से। PT में ओवरऑल स्कोर था 58। इन्होंने अप्लाई किया था मास्टर्स ऑफ पब्लिक हेल्थ इन यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड। G8 यूनिवर्सिटीज़ में आती है ये। फंड्स इन्होंने शो किए थे 39 लाख के, और उसमें FDs भी थी और कुछ लोन भी था। तो CA रिपोर्ट इन्होंने 4.1 करोड़ की शो की थी। जब हम फाइल लॉन्च करते हैं तब ये शो करते हैं। ITR इन्होंने 10.86 लाख की शो की थी मदर फादर की। एंड इनको वीज़ा ग्रांट हुआ है 20 दिसंबर को। ऑफ़र लेटर इनको 15 डेज़ में मिला था। GT इनका 7 डेज़ में क्लियर हो गया था, एंड रिसीव्ड COE विद इन 2 डेज़। वीज़ा ग्रांट इनको सेम डे ही हो गया था। तो कई बार हमें मतलब ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता कई स्टूडेंट्स को, बट ज़्यादातर हमें GT के प्रोसेस में तो एटलीस्ट वेट करना पड़ता है, और आफ्टर लॉजिंग फाइल वीकेंड से कि हमारा वीज़ा कब तक आ जाएगा। दिस इज़ टोटली डिपेंड्स ऑन आवर लक कि आपका कितने टाइम मतलब कितना टाइम ले रही है एम्बेसी आपको वीज़ा देने में। तो इसमें हम कुछ नहीं बोल सकते। कई स्टूडेंट्स पूछते हैं मैम मैंने इस दिन फाइल लॉन्च की थी कब तक वीज़ा आएगा, तो हम कुछ नहीं कर सकते, जस्ट वेट और गैस कर सकते हैं कब तक आ सकता है। स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट देख के हम गैस कर सकते हैं। सो आगे चलते हैं। आगे एक वीज़ा ग्रांट हुआ है। नेक्स्ट स्पाउस वीज़ा ग्रांट हुआ है। जो मेन एप्लीकेंट है उन्होंने 2019 में BSc की थी। सैलरी कैश इन हैंड शो किया था इन्होंने, एंड स्पाउस की 12th थी। वीज़ा ग्रांट इनको विद इन 5 डेज़ हो गया है, और इनको वीज़ा ग्रांट हुआ था 21 दिसंबर को। सो गाइज, अभी के लिए इतना ही, एंड होप यू ऑल लाइक द वीडियोज़। इफ़ यू लाइक द वीडियोज़ प्लीज़ सपोर्ट मी एंड सब्सक्राइब माई चैनल so that I will be motivated for making a better content for you। so guys, अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी next video में। till then, bye bye।